सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की ग्रुफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सर करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल के साथ, जहां पे सवाल ये था कि मतलब आपके पास में पहले के टाइम पे कौन से वाले गैजेट्स थे। तो बोला है आप में से 46% नहीं कि आपके पास में था एक एफएम प्लेयर। भैया जब एफएम आया था ना नया, बहुत ज्यादा पॉपुलर ये हो गया था। इसके अलावा क्या बोला है 17% ने कि रील वाला कैमरा भी था, कौन सा था, कोडैक या याशिका। और वैसे 20% बोला बहुत सारे गैजेट्स थे। वैसे मेरे पास भी यार बहुत सारे थे, मतलब पहले जब नए नए ऐसे आते थे प्रोडक्ट्स। वैसे आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हमसे बात में करता हूँ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ज्यादा सिक्योर किस ओएस को मानते हैं? क्या आपको लगता है कि एंड्रॉइड ज्यादा सिक्योर है या आपको लगता है कि आईओएस ज्यादा सिक्योर है? बताना दोस्तों क्या आपका जवाब, सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। यहाँ पर हम बात करते हैं iOS 16 को लेकर। और यहाँ पर दोस्तों WWDC जो होने वाला है भैया 2022 वाला इवेंट एप्पल की तरफ से 6 से 9 जून के बीच में, उस दौरान iOS 16 आने वाला है। तो उसके अंदर बहुत सारे मेजर सिस्टम चेंजेस होने वाले हैं, उसके अलावा काफ़ी सारी फ्रेश एप्पल की हमको ऐप्स देखने को भी मिलेंगी। देखते हैं क्या क्या चीज़ें एप्पल नया जो है वो ऐसा फ्लेवर के साथ में ऐड करता है इसी iOS 16 में। हमारे पास में अभी अगला अपडेट निकल के आता है ग्रीन सेल मोबिलिटी को लेकर। और यहाँ पर दोस्तों 50 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं ये डिप्लॉय करने वाले हैं महाराष्ट्र में, जहां पे दोस्तों पहली जो बस है वो पहली जून से लॉन्च की जाएगी। तो मतलब अच्छा लगता है देख के कि यार इंडिया में अगर हम देखें दोस्तों नो अक्रॉस अलग अलग स्टेट्स या सिटीज, अगर हम ऐसे ही ईवीज को और ज्यादा आते हुए देखेंगे कहीं ना कहीं अच्छा है हमारे देश के लिए और इस प्लैनेट के लिए भी। हमारे पास में अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 को लेकर। और यहां पे दोस्तों अगर माने लीक्स की तो इसमें 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा होने वाला है। उसके अलावा जो सेटअप है वो काफ़ी कुछ गैलेक्सी S22 अल्ट्रा से मिलता जुलता होगा। देखते हैं बाकी और कौन से कैमराज वगैरह क्या क्या पूरे फीचर्स वगैरह हमको देखने को मिलते हैं सैमसंग के इसी Z Fold 4 स्मार्टफोन में। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में अभी नेटफ्लिक्स जो है वो बहुत जल्दी शायद अनस्क्रिप्टेड सीरीज की लाइव स्ट्रीम वगैरह लेके आ सकता है, स्टैंड अप स्पेशल्स वगैरह लेके आ सकता है। मतलब अगर माने रिपोर्ट्स की तो नेटफ्लिक्स बहुत कुछ नया कर रहा है ताकि फ्यूचर में एक सही पोजीशन पे वापस से आ सके। अगली खबर आती है सीधा वन प्लस के एस रेसिंग एडिशन को लेके। और यहाँ पर दोस्तों कंफर्म हो गया है कि इसके अंदर है एक 120 हर्ट्ज वाला LCD स्क्रीन और साथ दोस्तों डेमेंसिटी 8100 मैक्स प्रोसेसर इसके अंदर होने वाला है। लेट्स सी कि बाकी और स्पेक्स क्या होती हैं इस फोन की और कितना जल्दी लॉन्च होता है। वैसे इंडिया में देखते हैं फोन कब तक आ पाता है। हमारे पास में अगला अपडेट आता है व्हाट्सएप को लेकर, जहाँ पे दोस्तों अभी ये रिच प्रीव्यू जो है वो फोनों अभी आने वाले हैं व्हाट्सएप में। दोस्तों यहाँ पे जो टेक्स्ट अपडेट्स वगैरह होते हैं आपके उन सब के अंदर जो प्रीव्यू है उसके अंदर जो है लिंक्स अभी आप देख पाएंगे और एंड्रॉयड के ऊपर नया इंटरफेस वगैरह भी आने वाला है। तो व्हाट्सएप ऐसे नए नए फीचर्स ऐड करता रहता है और बाद में हम उनको यूज़ करते रहते हैं। यहाँ पे अगली खबर है एयरटेल की तरफ से, जहाँ पे दोस्तों एयरटेल जो है वो अपना एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप कर रहा है पुणे में। और ऐसे में दोस्तों अभी हायरिंग होने वाली है कुछ 500 एम्प्लॉयज़ की। तो यार ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट है, जहाँ पे भी देखते हैं कि एयरटेल वैसे अपने इस टेक्नोलॉजी सेंटर से क्या कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर पाता है और आगे किस तरीके से हम देखते हैं एयरटेल और तगड़ा काम करे कुछ टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। यहाँ पे दोस्तों वैसे अभी स्नूप डॉग जो है भैया वो ट्विटर को लगता है खरीदने वाले हैं। एलन मस्क ने जो है वो डील को भी होल्ड डाल दिया है। तो इन्होंने जो है वो ट्वीट कर दिया कि मे हैव टू बाय ट्विटर नाउ। अरे भाई क्या मतलब मजाक चल रहा है यार बहुत ज़्यादा। देखते हैं क्या होता है, ऐसे मजाक बनकर रह गया है ट्विटर का भी सीन, फ्यूचर में लेट्स सी क्या होगा। हमारे पास दोस्तों अभी सैमसंग का जो गैलेक्सी वॉच 5 प्रो का एक अभी अपडेट निकल के आया है, लीक के माध्यम से मालूम ही चलता है कि इसके अंदर टाइटेनियम की बॉडी होगी और सफायर ग्लास का डिस्प्ले होगा। मतलब काफ़ी तगड़ी स्मार्ट वॉच सैमसंग बना रहा है। वैसे मेरी फेवरेट वॉच तो एप्पल वॉच है और काफ़ी मज़े से मैं इसको यूज़ करता हूँ। देखते हैं सैमसंग वैसे क्या अचीव कर पाता है इसी अपनी गैलेक्सी वॉच 5 के साथ में। अगला अपडेट निकल के आता है गूगल को लेकर। हाँ भैया गूगल करीब करीब 9 लाख, टू बी स्पेसिफिक दोस्तों अगर आपको बताऊँ तो 8,69,000 बेसिकली 869,000
ऐसी ऐप्स को रिमूव करने वाला है प्ले स्टोर से जो पिछले 2 साल से अपडेट नहीं की गई है उनके डेवलपर्स के द्वारा। तो थोड़ा सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए गूगल ये कदम उठाने वाला है। हमारे पास दोस्तों वैसे अभी क्वालकॉम का एक ऑफिशियल इवेंट आ गया है 20 मई के लिए, जहां पे अनवील किया जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1। बहुत तगड़ा ये लगता है, चिपसेट होने वाला है। बस देखते हैं कि कौन से फ़ोन में सबसे पहले ये लेके आएगा, यू नो कौन सा ब्रांड। वैसे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 से और ज़्यादा एफिशिएंट या कम बजट में एक अच्छा बेहतरीन प्रोसेसर जो है वो 7 Gen 1 हमको देखने को मिल सकता है। हमारे पास में अभी अगला दोस्तों फोल्डिंग स्क्रीन है ना, मतलब यहाँ पे दोस्तों LG ने शोकेस किया है ऐसा कि 360 डिग्री जो है वो फ़ोन का स्क्रीन ऐसे फोल्ड हो जाएगा, मतलब ऐसे कम्प्लीटली 360 डिग्री हिंज वाले फोल्डिंग स्मार्टफोन्स शायद हम जल्दी ही देख पाएंगे। सैमसंग ये काम कर सकता है, LG तो खुद ने भी फ़ोन बनाना बंद कर दिया है, क्या पता उसके अलावा वावे वगैरह ये काम शायद कर पाएगा। अगला अपडेट दोस्तों निकल के आता है यहाँ पे टच स्क्रीन टैक्सी विंडोज़ को लेके। भैया यहाँ पे BOE ने डिस्प्ले कर दिया है कि टैक्सी वगैरह में अगर विंडो में टच स्क्रीन होगा तो कैसे हम उसको यूज़ कर पाएंगे। मतलब टेक्नोलॉजी यार कहाँ कहाँ पर जा रही है ना, सोचो अगर फ्यूचर में ऐसा हम कुछ अचीव कर पाए कितना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों वैसे हमारे पास में अभी एक और अपडेट निकल के है मज़े का, जहाँ पर दोस्तों अभी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में एक ऐप के चलते भैया मस्कीटोज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं ना उसको लोकेट किया जा रहा है सेटेलाइट इमेजिंग के चलते, कि भैया कहाँ कहाँ पे ये ब्रीड करते हैं और उसके बाद में हम ह्यूमंस को ताकत मिलती है भैया मलेरिया वाले मच्छरों से फाइट करने में। मतलब ऐसे 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 फाइट करें, उससे बढ़िया सीधा सेटेलाइट से ट्रैक करो, वहीं पे हमला करो ताकि मच्छर को आप जड़ से ख़त्म कर पाएँ। या दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एक यू नो रिसर्च को लेकर, हमें दोस्तों मालूम चलता है 1 लाख से ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली मतलब जब आप कुछ डेटा वहाँ पे एंटर करते हैं ना तो सबमिट से पहले ही उसको क्लिक कर ले, मतलब यू नो कलेक्ट कर लेती है, मतलब आपने क्लिक किया उससे पहले उन्होंने कलेक्ट कर लिया बिना आपके कंसेंट के। ये बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर सिक्योरिटी इशू हो सकता है, मतलब आपने कुछ टाइप किया आपने जब तक सबमिट ना किया उससे पहले उसने कलेक्ट कर लिया, बोलते सबमिट करो चाहे मत करो सबमिशन तो हो गया है तुम्हारा। 1 लाख से ऐसी ऐप्स वेबसाइट्स वगैरह मिली हैं, बहुत बड़ा नंबर है यार। मतलब इंटरनेट मतलब प्राइवेसी इज जस्ट अ मिथ इन दिस यू नो ऑनलाइन वर्ल्ड आउट से। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।